हेलो एवरीवन, वेलकम टू भवंस गार्डन। और मैं भवनदीप आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ मेरे वेजिटेबल गार्डन में। दोस्तों, आज मैं अपने टेरेस पे ब्रोकली की वेजिटेबल को हार्वेस्ट करने के लिए आई हूँ, तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँ। मेरे जो ब्रोकली के वेजिटेबल है वो ऑलमोस्ट हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुकी है। ये अभी थोड़ा सा है, जब तक ये ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा है तो ये इट मीन्स कि नहीं है, इसको हार्वेस्ट अभी नहीं करना। तो ये काफ़ी गफ हो चुका है, लेकिन ये वाला जो फ्लावर है ये ज़्यादा हार्ड हो चुका है, तो इसे हम अभी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक मैं और आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। पहले देखिए, इसमें छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स बने हुए हैं, ये देखिए, शायद आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स बने हुए हैं इसमें, ये रहा। जब इसको कट कर लेंगे फिर अच्छे से इसको देख पाएंगे। तो इसको मैं ऊपर से ही हार्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने नीचे इसके बेबी प्लांट्स को बचाना चाहती हूँ। ये देखिए, इसका छोटा सा बेबी प्लांट, ऐसे जो है नीचे इसमें और भी बेबी प्लांट्स रेडी हुए हैं। देखती हूँ कि क्या इसमें, क्योंकि अब तो ज़्यादा धूप पड़ रही है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ भी रहा है, शायद ये प्रॉपर से ग्रोथ ना कर पाए, लेकिन मैं इसकी वेट ज़रूर करूँगी। तो इसके बिना मैंने, ये देखिए बहुत अच्छा मेरा फ्लावर है ये, तो इसके बिना मैंने एक कॉलीफ्लावर का फ्लावर भी आज ही हार्वेस्ट करा है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये वाला फ्लावर चाहे साइज में छोटा है, लेकिन इसमें मिट्टी कम होने की वजह से ये इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। ये भी काफ़ी गफ हो चुका है, तो मैं इसको भी हार्वेस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इसके अंदर के जो बेबी प्लांट्स हैं। देखिए, कम मिट्टी होने के बावजूद भी इसमें, यहाँ पे देखें, ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स बने हुए हैं। तो ये छोटे छोटे बेबी फ्लावर्स कह सकते हैं हम इनको, ये बने हुए हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि ये आगे ग्रो करते हैं। इसकी मैं हार्वेस्टिंग 2-3 दिनों में करूंगी, अभी मैं इसको हार्वेस्ट नहीं करने वाली, अभी इसको नहीं काटूंगी। तो तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आगे और भी एक्साइटिंग वीडियोस समर गार्डनिंग के रिगार्डिंग और मेरे जो प्लांट्स लगे हुए हैं उसके रिगार्डिंग बनाते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।